गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 10 का ये कर लिया था। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में 5 स्टेप बताए थे। उन 5 स्टेप के मदद से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसी भी रिटायरमेंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का भी उसी तरह से है। पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1 = 1/3 1/3। न्यू रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स। गेनिंग रेशियो जब निकालिएगा तो पी और क्यू का 4:1 आएगा। और रिटायर पार्टनर का हिस्से का गुडविल निकाल लेंगे। रिटायर पार्टनर आर है और आर के हिस्से का गुडविल जो है आप 36,000 × r का शेयर 1/3 गुना करेंगे 12,000, और 12,000 को गेनिंग रेशियो यानी 4:1 में हम लोग बांट देंगे। 36,000 में r का शेयर निकालेंगे 12,000, 12,000 को गेनिंग रेशियो जो आप निकालिएगा p और q 4:1 में बांट देंगे। जर्नल एंट्री कर दीजिएगा गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी p डेबिट q डेबिट और टू r कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो जाएगा 10 का b। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। 11 में नया क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कल का मैंने क्वेश्चन आपका देखिए 10 का ये बताया था, तो 10 के ए में क्या हो रहा था कि ओल्ड रेशियो ए बी सी है और न्यू रेशियो ए बी है, तो भाई गेनिंग रेशियो दो पार्टनर कर गया ए और बी। मतलब अब तक के जो भी क्वेश्चन थे उसमें पुराना पार्टनर हमेशा गेन करता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा है कि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो पार्टनर रिटायर करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वो शेयर सेक्रीफाइस करता है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर एडमिट करता है वो शेयर गेन करता है। रिटायरमेंट उसका अपोजिट है, जो रिटायर करेगा वो शेयर सेक्रीफाइस करेगा, तब ना उसका शेयर जो है ओल्ड पार्टनर लेता है। लेकिन कभी कभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है, और रूल है जिस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में रूल था कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल का पैसा देगा, उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रूल है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो उसे भी गुडविल का पैसा देना होगा, उसे गुडविल का पैसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल का पैसा मिलेगा, और कि कौन देगा, जो पार्टनर गेन करेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी वही रूल था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसको गुडविल का पैसा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था हाँ उसको गुडविल का पैसा मिलता था, देता था कौन, गेनिंग करने वाला। तो वही रूल यहां पर भी लगेगा। कहने का मतलब मिला जुला कर मेरा ये कहने कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगर ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए, ओल्ड पार्टनर हमेशा गेन करता लेकिन सेक्रीफाइस कर जाए तो नियम कुछ बदलेंगे, और वो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो ओल्ड पार्टनर में एक पार्टनर गेन कर जाएगा। देखेंगे हम लोग बनाते हैं। हाँ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 11 में ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी 3/10, 2/10, 3/10 और 1/2/10। न्यू रेशियो ए रिटायर कर गया तो बी सी डी का न्यू रेशियो गया 3:16 यानी 3/10, 1/10, 6/10। गेनिंग रेशियो निकाल दिया, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ये आपका हो गया। ओल्ड में से न्यू करेंगे तो बी का तो आ गया 1/10 प्लस में, तो भाई ये गेन कर गया। सी का निकालने गया तो माइनस में आ गया। मैं आपको सिखाया था पिछले क्लास में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं माइनस में आ जाए तो गेनिंग कहलाता है। अब गेनिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं माइनस में आ गया, तो यानी गेनिंग का उल्टा अपोजिट, यानी ये जो माइनस में आ गया इसका मतलब ये क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे आंसर माइनस में आए तो गेन, और अगर गेनिंग निकाल रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड और माइनस में आए तो क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो स्टेप 1 ये निकल गया गेनिंग रेशियो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 2 गेन कर गया, एक क्या कर गया, सेक्रीफाइस। तब देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल स्टेप टू रिटायर्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर गया, रिटायर्ड पार्टनर तो है ए, तो एज शेयर ऑफ गुडविल, तो ए के हिस्से का गुडविल है, ए के हिस्से का गुडविल आपका कितना है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000,
ए रिटायर्ड पार्टनर से, रिटायर्ड पार्टनर शेयर दिखाया हुआ है आपका, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, रिटायर्ड पार्टनर ए, ए का शेयर कितना था 3/10। योगे स्टेप टू, स्टेप थ्री कैलकुलेट रिटायर्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो ए शेयर ऑफ गुडविल, ए के हिस्से का गुडविल निकलेगा, एच शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा एच शेयर बराबर बस 3/10। ए के हिस्से का गुडविल निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो 1,20,000 गुने ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा कितना 12,000। लेकिन यहीं पर सीखना है ए के हिस्से का गुडविल, यानी कल का मैंने स्टेप टू में सिखाया था कि रिटायर्ड पार्टनर शेयर यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं, और चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ए के साथ एक और सेक्रीफाइस कर गया पुराना पार्टनर, पुराना पार्टनर कौन है सी, तो यहीं पर ये क्वेश्चन नया है 11, और यहाँ पर लिखेगा निकलेगा एज शेयर ऑफ गुडविल, ए के हिस्से का भी गुडविल निकलेगा, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे 1,20,000 गुने इसका जो हिस्सा कितना आया है माई डियर फ्रेंड्स, सी कितना सेक्रीफाइस किया 2/10, तो यह आ जाएगा कितना 24,000, यह आ जाएगा कितना 24,000। अब इसमें जो है हम लोग यहां देखेंगे, हाँ ये एच शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी ये एच शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 36,000 नहीं, और सी का हिस्से का गुडविल कितना आ गया 24। अभी यहाँ हम लोग देख लेंगे तो टोटल गुडविल, जैसे पहले ये 36 को बांटे थे गेनिंग रेशियो में, लेकिन अब ये कितना हो गया, तो टोटल ये आपका हो गया 36 और 40, है ना, ये आपका हो जाएगा 60,000। तो अब हम लोग लिखेंगे स्टेप फोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, कि भाई ये लोग गुडविल बांटेंगे तो अब गुडविल कितना बांटना है, तो गुडविल अब टोटल बांटना है 36,000 और प्लस 24,000 इक्वल, ये किस रे, तो ये आ जाएगा कितना इक्वल टू 60,000। ये किनके किनके बीच बटेगा, तो जो पार्टनर गेन किया है कौन कौन, बी और डी, तो अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कितना आ गया बी और डी का 1/10, 4/10 इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे 1:4, यानी 1:4 आ गया गेनिंग रेशियो। यहाँ गुडविल बांटेंगे तो बी का आ जाएगा माई डियर फ्रेंड्स 60,000 इंटू बी का हिस्सा 1/10, 1/5 आ जाएगा कितना 12,000। डी का हिस्सा निकालेंगे 60,000 इंटू 4/5 आ जाएगा कितना 48,000। फिर से देखेंगे, सबसे पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में यहाँ पे बदलाव आ गया कि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर दिया। रूल है कि जो भी पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा जो है देना होगा। किसे देगा, जो पार्टनर, पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो यहाँ पर चूंकि एक सेक्रीफाइस कर गया लेकिन दो का जोड़ा बना बी और किसका, डी का, तो गेनिंग रेशियो बी और डी का निकल गया 1 है इसका, इसका 4 है 1:4। अब एच शेयर ऑफ गुडविल कहने का मतलब, कल का मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि रिटायर्ड पार्टनर का शेयर मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें पुराना पार्टनर यानी सी भी सेक्रीफाइस कर गया, तो ए के साथ सी के हिस्से का भी गुडविल निकलेगा, यानी ए जो रिटायर किया उसको 36 था चाहिए, सी जो रिटायर किया उसको 24 चाहिए। लेकिन ए और सी को 36 और 24 देगा कौन, देगा बी और डी, किस रेशियो में देगा, तो गेनिंग रेशियो 1:4 में। कितना है 36 प्लस 24, 60,000 को 1:4 1/5 और 4/5 में देगा, तो 12 और 48। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे, जर्नल एंट्री आप लोग कर लेंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर कौन, बीच कैपिटल अकाउंट डी आर, डीच कैपिटल अकाउंट डी आर टू पुराना पार्टनर, पुराना पार्टनर यानी जो पार्टनर, जो पार्टनर क्या किया है सेक्रीफाइस किया है, यानी एच कैपिटल अकाउंट और टू सीच कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर दिया बीच कैपिटल अकाउंट डी आर, यानी बी 12,000 रुपया लाएगा। क्यों लाएगा, क्योंकि बी फर्म में बचा हुआ है,
एक शेयर इसको गेन किया है इसने, इसीलिए बीच कैपिटल अकाउंट डीआर, डीच कैपिटल अकाउंट डीआर, डी भी 48,000 लाएगा। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने कि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, बी और डी गेन किया तो दोनों डेबिट हो गया। टू ए और टू सी, टू ए और टू सी, ए जो है लेगा कितना पैसा लेगा 36। क्यों लेगा? क्योंकि इसने अपना शेयर छोड़ा है, छोड़ा है मतलब सेक्रीफाइस किया, इसका शेयर बी और डी ने लिया। टू सी कैपिटल अकाउंट 24,000, ये भी अपना शेयर छोड़ा इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री का नारेशन लिख लेंगे, बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। इस तरह से आपका ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, और ये लास्ट होने जा रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आदत डालनी होगी। आगे सभी क्वेश्चन इसी तरह से है, नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।